एक मित्र ने पूछा है, अनंत स्त्री, बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता में क्या संबंध है, या कोई संबंध है भी? जीवन समग्र, टोटल, परिपूर्ण तभी होता है जब सुंदरता बाहर भी हो और भीतर भी हो। बाहरी और भीतरी सुंदरता का संबंध है भी और नहीं भी। तुमने जो दोनों प्रश्न उठाए हैं, दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है। भीतर की सुंदरता का असर बाहर की सुंदरता पर जरूर पड़ता है, इसलिए संबंध अनिवार्य रूप से है, और बाहरी सुंदरता का असर भीतरी सुंदरता पर जरूरी नहीं पड़े, इसलिए संबंध वहां पर उतना गहरा नहीं भी है। लेकिन हम सारी प्रक्रिया को समझें तो ये ज्यादा सुंदर होगा। शरीर के तल पर जो सुंदरता है, ये हमें आनुवांशिक रूप में मिली है, और फिर शरीर केवल हमारे इस फिजिकल बॉडी, इस भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है, शरीर हमारे आसपास के परिवेश में भी फैलता है। जिस कमरे में तुम रहते हो वो भी तुम्हारा शरीर बन जाता है, जिस घर में रहते हो वो भी तुम्हारा शरीर बन जाता है, जिस कार में तुम चलते हो वो भी तुम्हारा शरीर बन जाती है। बाहर के तल पर जो फैलाव है उसमें तुम कई फेरबदल कर सकते हो। आज के इस तकनीक के समय में तुम अपने इस शरीर में भी बदलाव कर सकते हो, जो शरीर तुम्हें जेनेटिकली मिला है तुम्हारे माता पिता से। तुम कॉस्मेटिक सर्जरी पर जा सकते हो, तुम अपने नाक, कान, चेहरा, पंजों से लेकर सिर तक बहुत कुछ सुधार कर सकते हो। लेकिन उस सुधार का कोई गहरा असर तुम्हारे भीतर पड़ने वाला है, ये जरूरी नहीं। लेकिन तुम्हारे भीतर की सुंदरता का असर तुम्हारे बाहर जरूर पड़ता है। भीतर की सुंदरता से तात्पर्य है तुम्हारे चेतना के गुणधर्मों का प्रकट हो जाना, आत्मिक गुणों का। आत्मिक गुण तुम लेकर पैदा होते हो, वो बस ढकते हैं, बाहरी प्रभावों में वो केवल ढक जाते हैं, तुम उन्हें कभी भी फिर से प्रकट कर सकते हो। सारी साधना उस आत्मिक गुण को प्रकट करने की ही प्रक्रिया है, जो तुम्हें हमेशा से मिले हैं, हमेशा से मिले रहे थे, जिन्हें तुमने खोया ही नहीं। और जितना तुम्हारे आत्मिक गुण प्रकट होते हैं, जितना तुम्हारी चेतना प्रकट होती है, उतना ही तुम भीतर से सुंदर कहे जाओगे। इस भीतर की सुंदरता का असर कई बार तुम्हारे शरीर पर इस तरह भी पड़ता है कि शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, लेकिन वो सुंदर दिखाई देने लगता है। शरीर की बनावट
अनुपात के रूप में हो सकता है सुंदरता के मानदंडों पर खरी न उतरती हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखाई देने लग सकते हो। अनेक सिद्धों, संबुद्धों, सद्गुरुओं को लोगों ने इस तरह से देखा। तुम्हारी चेतना का प्रकाश तुम्हारी देह से प्रकट होता है, उसे आलोकित कर देता है। ये चेतना तुम्हारी आंतरिक समस्वरता से, इनर हार्मनी से प्रकट की जाती है। जैसे तुम्हारे विचारों में एक हार्मनी आए, समस्वरता आए, तुम्हारी भावनाओं में, तुम्हारी क्रियाओं में, तुम्हारे अंदर एक लय पैदा हो, तुम्हारे अंदर एक संतुलन पैदा हो, अचानक तुम भीतर उस सौंदर्य का अनुभव करने लगोगे। ये सौंदर्य भीतर का एक गहरी शांति की तरह है और गहरे संतोष की तरह भी, गहरे आनंद की तरह भी। एक ऐसा आनंद, एक ऐसी शांति और ऐसा संतोष जो अकारण है, जिसका कोई कारण नहीं है, वो बस है क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव है। बाहर तुम्हें हर चीज के लिए कारण चाहिए होता है, लेकिन इस आंतरिक गुणवत्ता के लिए, इस इनर क्वालिटी के लिए तुम्हें कोई कारण नहीं चाहिए। और अद्भुत बात तो यह है कि संसार में जो भी अमूल्य है, बेशकीमती है, वो हमेशा अकारण है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी बाहरी सुंदरता भी अकारण ही है। कारण तो हम पैदा करते हैं। क्यों मिला तुम्हें ऐसा शरीर, तुम नहीं जानते। क्यों तुम्हें नहीं मिले ऐसे कान, ऐसी आंख, तुम नहीं जानते। ये भी अस्तित्व के रहस्यों में से एक है। लेकिन हम बाहर तो बहुत सारे कारण खोज लेते हैं कि ऐसा इन वजहों से हुआ होगा या ऐसा उन वजहों से हुआ होगा। मोटी वजह तो शरीर के तल पर जेनेटिक ही है, और उस कारण को जानने के बाद भी हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। सुंदरता जीवन की एक ऐसी चीज है जो हमेशा व्यक्ति को आकर्षित करती है। सौंदर्य हमेशा खींचता है, और सौंदर्य जितना शुद्ध हो उतना ज्यादा खींचता है। पदार्थ और चेतना के बीच घट गए गहरे संबंध से सुंदरता पैदा होती है। अगर चेतना का संपर्क तुम्हारे शरीर के अलावा भी पदार्थ में कहीं भी हो जाए तो वो पदार्थ भी सुंदर दिखाई देने लग सकता है। तो मौलिक जो चीज है वो तुम्हारी आंतरिक ही है, उस पर ही तुम्हें ध्यान ले जाना है। और मजेदार बात यह है कि जो लोग बाहर से बहुत सुंदर होते हैं, कई बार वो उस आंतरिक सुंदरता को खोजने में चूक जाते हैं, चूक सकते हैं। चूकने की संभावनाएं उनकी ज्यादा होती हैं, क्योंकि बाहर से ही वो इतने सम्मोहित हो जाते हैं, या कहें कि कई बार वो संतुष्ट हो जाते हैं छद्म रूप से ही, कि भीतर की तरफ जाना मुश्किल पड़ता है। बाहर की परिवर्तनशीलता को अगर कोई देख लेता है तो भीतर मुड़ना आसान हो जाता है, लेकिन बाहर की किसी भी घटना पर अगर कोई सम्मोहित हो जाता है तो भीतर मुड़ना मुश्किल हो जाता है।